हेलो भाई लोग, कैसे हो। मैं हूँ आकाश, आप देख रहे हो मेरा चैनल पोस्ट गैजेट गेमर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा दो गेमिंग फ़ोन, वो भी बजट में। अगर आपका प्राइस 10 से 12 हज़ार के अंदर है और एक अच्छा गेमिंग फ़ोन ढूंढ रहे हो तो अभी के टाइम मार्केट पे यार दो फ़ोन अवेलेबल है। दोनों फ़ोन ही दोस्तों रियलमी का है। एक है रियलमी नज़रो N65, एक है रियलमी C65। दोनों फ़ोन एकदम सेम है, सेम फीचर्स है, मतलब कैमरा सेम है, बैटरी सेम है, प्रोसेसर सेम है, सब कुछ एकदम सेम है, लेकिन प्राइस अलग है। अगर आप अमेजोन पे जाते हो, रियलमी नज़रो N65 सर्च करते हो तो देखोगे यहाँ पे प्राइस है 12,500 रुपीज़। लेकिन थोड़ा नीचे जाओगे तो 1,000 का जो कूपन डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो टोटल आपको पड़ेगा 11,500 रुपीज़। अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो और सर्च करते हो रियलमी C65, उसका प्राइस पड़ेगा 12,500 रुपीज़। तो 1,000 का भाई फ़र्क है, लेकिन दोनों फ़ोन सेम है। तो चलो यार देखते हैं इस फ़ोन में क्या क्या अच्छा है और क्या क्या बुरा है, और आखिर में बताऊंगा यार कौन सा फ़ोन लेना सही होगा। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी के टाइम पे दोस्तों मार्केट पे बहुत ज़्यादा फ़ोन आ चुके हैं, लेकिन आपका बजट अगर कम है 10 से 12 हज़ार के बीच में, तो ये दो फ़ोन को आप एक बार ज़रूर देखना, ठीक है। तो आप पहले देख लेते भाई बॉक्स में क्या क्या आता है। बॉक्स में आपको केबल, पिन, एडाप्टर, केस, सब कुछ आपको मिल जाता है। दोस्तों फ़ोन का जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा है, पीछे देख सकते हो मैट फिनिश है, प्लास्टिक डिज़ाइन है, यहाँ पर आपको एक प्रीमियम लुक दिया गया है, साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर है। यहाँ पे तीन टाइप का वेरिएंट अवेलेबल है, आप कोई भी ले सकते हो। दो कलर्स अवेलेबल है तो आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। वेट ज़्यादा क्या बोलूँ, एकदम भारी भी नहीं है, इतना हल्का भी नहीं है, 192 ग्राम है, तो आप बोल सकते हो इतना लाइट वेट तो नहीं है, लेकिन भाई काम चल जाएगा। IP54 को सपोर्ट करता है, इसका मतलब है अगर आप फ़ोन पानी में गिर जाता है या छोटा मोटा यार छींटे लगते हैं तो भाई कुछ नहीं होगा। अब दोस्तों आता है फ़ोन का डिस्प्ले कैसा है। यहाँ पे आपको 6.6 इंच का एक HD+ IPS LCD डिस्प्ले आपको मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे फुल HD डिस्प्ले होता तो भाई ठीक होता, लेकिन भाई प्राइस भी कम है तो भाई काम चलाना पड़ेगा। लेकिन डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है दोस्तों, इतना ख़राब नहीं है। 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, तो भाई डिस्प्ले एकदम स्मूथ है, ठीक है। आप यहाँ पे नेटफ्लिक्स पे HD कंटेंट नहीं देख सकते, YouTube पे आप HDR नहीं प्ले कर सकते, लेकिन 2K वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ब्राइटनेस भी ठीक ठाक है, अगर आप बाहर जाते हो तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में एक मिनी कैप्सूल अवेलेबल है आईफोन जैसा, जहाँ पर आप चार्ज वगैरह देख सकते हो। अब दोस्तों आते हैं फ़ोन का प्रोसेसर कैसा है। यहाँ पे आपको MediaTek का 6300 एक 6nm प्रोसेसर मिलता है, जो कि भाई बहुत ही ठीक ठाक है। इसका एंटीटू स्कोर अराउंड 4.5 लाख आप बोल सकते हो, जो कि अच्छा खासा गेम आपको प्ले कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो Geekbench स्कोर देख सकते हो, CPU थ्रॉटलिंग में यहाँ पे एवरेज है, ग्रीन पे रहता है, वर्चुअल रैम एक्सटेंशन है, UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। आप BGMI 40 FPS पर खेल सकते हो, COD हाई सेटिंग पे खेल सकते हो, और फ्री फायर भाई अल्ट्रा मैक्स पे आप आराम से खेल सकते हो, कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप नहीं होगा अगर आप 6GB वाला वेरिएंट लेते हो तो। अब दोस्तों आते हैं फ़ोन का OS सिस्टम कैसा है। यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 14 मिलता है, 2 साल का मेजर अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट आपको मिल जाएगा। ऑल सेंसर अवेलेबल है, इसका मतलब जायरो में भी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई यहाँ पे हॉट गेम्स, हॉट ऐप्स वगैरह आते हैं, जो कि आप सेटिंग्स में जाके ऑफ कर सकते हो। फ़ोन का बैटरी बैकअप भी दोस्तों ठीक ठाक है, 5000 का बैटरी है, 15 वाट का चार्जर है। चार्जर तो भाई मैं बोलूँगा थोड़ा स्लो है, अराउंड 2 घंटे लग जाएगा, लेकिन भाई बैटरी बैकअप आपको अच्छा दिला देगा, ठीक है, 1 से 1.5 दिन आपको आराम से चल जाएगा। स्पीकर भी दोस्तों ठीक ठाक है, यहाँ पे सिंगल स्पीकर मिलता है, लेकिन भाई बहुत ही लाउड है, ठीक है। 3.5mm जैक भी मिलता है, तो हेडफोन लगा के आप गाना वगैरह सुन सकते हो, और आप वॉल्यूम को 200% तक बढ़ा सकते हो, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब दोस्तों आता है फ़ोन का कैमरा कैसा है। यहाँ पे आपको पीछे 50MP का मेन कैमरा मिल जाता है और 2MP का एक डेप्थ कैमरा मिल जाता है। सामने आपको 8MP का एक सेल्फी कैमरा मिल जाता है। दोनों कैमरे से आप 1080 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा सैंपल आप यहाँ पे कुछ देख सकते हो, बहुत ही शार्प है, DTL है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई कटौती नहीं है, तो कैमरा डिपार्टमेंट दोस्तों यहाँ पे ठीक ठाक है। दोस्तों फ़ोन का कनेक्टिविटी भी ठीक ठाक है। यहाँ पे आपको 4 5G बैंड मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.3 है,
वाईफाई 5 है, 4G प्लस का भाई यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे आपको गूगल डायलर मिल जाते हैं, तो कनेक्टिविटी भी एकदम ठीक ठाक है। अब दोस्तों आते हैं मेन मुद्दे पर, कौन सा फ़ोन लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। देखो दोस्तों अभी के टाइम पे रियलमी नजरो N65 1000 रुपये सस्ते में मिल रहा है, दोनों फ़ोन का जो स्पेसिफिकेशन है एकदम सेम है, तो मुझे तो लगता है यार रियलमी नजरो N65 को ले लेना चाहिए, क्योंकि भाई अभी के टाइम पे 1000 का डिस्काउंट मिल रहा है, एक मंथ या दो मंथ के बाद यार डिस्काउंट नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसा थोड़ा कम है और एक अच्छा फ़ोन ढूंढ रहे हो तो भाई रियलमी नजरो N65 को ले सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो भाई ले सकते हो रियलमी C65 को, लेकिन भाई सेम फीचर्स के साथ आता है, दोनों ही फ़ोन रियलमी का है, एक साल का वारंटी मिलेगा भाई, आराम से आप 2-3 साल आराम से चला सकते हो, कोई भी गेम आराम से खेल सकते हो, तो भाई डर किस बात का। मैं तो बता दिया यार कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, आप भी यार कमेंट में बताओ कौन सा फ़ोन आपको अच्छा लगा, और एक बात भाई लोग वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो भाई लोग वीडियो को प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब कर देना, कोई भी कमेंट करना है तो भाई कर देना। तो चलो यार बाय बाय, मिलते किसी और वीडियो में।